कोविड-19 महामारी का समय है। इसी माहौल में ब्लैक फंगस बीमारी का एक और खतरा उभर कर आया है। ब्लैक फंगस को डॉक्टरी भाषा में म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। ये एक गंभीर जानलेवा रोग है। इस वीडियो में हम ब्लैक फंगस रोग के बारे में जानेंगे। ये भी देखेंगे कि इसका खतरा किसको अधिक है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फंगस का मतलब फफूंद या कवक। हमारे परिवेश में बहुत तरह के फफूंद पाए जाते हैं। बहुत तरह के फफूंद हम प्रयोग भी करते हैं, जैसे खमीर उठाने में या दवा बनाने में। लेकिन कुछ फफूंद हमें हानि पहुंचाते हैं और रोग का कारण होते हैं। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन कोविड-19 से पहले इसका प्रमाण बहुत कम था। ये रोग एक विशेष किस्म के फफूंद परिवार म्यूकरमाइसिटिस के कारण होता है। ये फफूंद गीली मिट्टी, गोबर, सड़े गले पत्तों और यहाँ तक कि सड़े हुए फल सब्जियों में भी पाए जाते हैं। इनके बीजाणु या स्पोर हवा और मिट्टी में पाए जाते हैं, जिनकी मदद से ये फैलते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति को इस फफूंद से कोई परेशानी नहीं होती। हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली इन्हें शरीर में बढ़ने नहीं देती। लेकिन अगर हमारा शरीर दुर्बल हो, हमारी रोग प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हो और ऐसे में ये फफूंद शरीर में पनप जाए तो ब्लैक फंगस रोग होता है। इसे ब्लैक फंगस रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस जगह ये फफूंद पनपते हैं वहां रक्त संचार बंद हो जाता है। उस अंग के उत्तक काले पड़ने लगते हैं और मर जाते हैं। ये तेजी से फैलता है और समय से इलाज ना कराने पर रोगी का बचना मुश्किल होता है। ब्लैक फंगस रोग का खतरा किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं है, लेकिन कुछ रोग और अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज के मरीज, जिनके शरीर में शक्कर नियंत्रण में ना रहती हो। कैंसर के रोगी, जिनकी कीमोथेरेपी हुई हो। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने वाली दवाएं, जैसे स्टेरॉइड लेने वाले लोग। वो लोग जिनका अंग प्रतिरोपण हुआ हो, जैसे गुर्दा या लिवर ट्रांसप्लांट वाले व्यक्ति। वो लोग जिनकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो और वो जो लंबे समय तक इलाज के लिए अस्पताल के ICU में रहे हो। इसीलिए ब्लैक फंगस रोग का कोविड-19 रोग से संबंध है। कोविड-19 के इलाज में स्टेरॉइड दवाओं का प्रयोग होता है। स्टेरॉइड हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देते हैं। कई बार इनके प्रयोग के कारण रोगी के शरीर में शक्कर की मात्रा भी बढ़ जाती है। ऐसे में ये फफूंद आसानी से शरीर में पनप सकते हैं। इसीलिए ब्लैक फंगस रोग का खतरा उनके लिए बहुत अधिक है जो स्टेरॉइड दवाओं का अनावश्यक और डॉक्टर की देखरेख के बिना प्रयोग करें। उनको भी जो डॉक्टर की सलाह के बिना अपने आप अपना इलाज करें या डॉक्टर की बताई दवाई मनमर्जी बीच में ही रोक दें। कोविड-19 इलाज में अक्सर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन के मास्क और ट्यूब अगर उचित प्रकार से साफ और जीवाणु रहित ना हो तो भी फफूंद के बीजाणु शरीर में पहुंच सकते हैं। ब्लैक फंगस के बीजाणु आमतौर पर नासिका के अंदर साइनसिस में, जबड़ों में और आंखों में पनपते हैं। कुछ रोगियों के फेफड़ों, मस्तिष्क और आंतों में भी ये फफूंद पनप जाते हैं। हाल में हुए ब्लैक फंगस के रोगियों में 90-94% वो थे जो मधुमेह मतलब डायबिटीज के रोगी थे या वो जो स्टेरॉइड ले रहे थे। देखते हैं कि ब्लैक फंगस रोग से अपने बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई भी दवा, विशेषकर स्टेरॉइड, डॉक्टर के बताए बिना कभी भी ना लें। डॉक्टर के कहने पर सही मात्रा में और सही समय से ही स्टेरॉइड लें। अगर आपको मधुमेह मतलब डायबिटीज है
तो अपने शरीर में शक्कर की मात्रा को सही दवा और खुराक लेकर नियंत्रित रखें। अगर आपको ब्लैक फंगस संक्रमण का खतरा अधिक है तो इन बातों का भी ध्यान रखें। मास्क का प्रयोग करें ताकि फफूंद के जीवाणु आपके शरीर में ना जाएं। हाथों को साफ रखें और कुछ भी खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। हमेशा ताजा खाना खाएं, बासी खाने में फफूंद हो सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या है ब्लैक फंगस रोग के लक्षण। सिर दर्द, बंद नाक, नाक से हरा, काला या रक्त रंजित स्राव, मुंह के अंदर का रंग बदलना, दांतों में दर्द या दांत ढीले पड़ना, चेहरे पर सूजन या दर्द, चेहरे की त्वचा का रंग बदलना, आंखों में सूजन, फेफड़ों में ब्लैक फंगस पनप जाए तो बुखार, छाती में दर्द और खांसी में खून आ सकता है। इनमें से कोई भी लक्षण हो, चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, आप फौरन बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, अस्पताल में COVID-19 रोग के इलाज के बाद घर लौटने के पहले 4 हफ्तों में ब्लैक फंगस रोग की आशंका सबसे अधिक है, इसलिए सतर्क रहें और कोई भी लक्षण आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।